तो हेलो दोस्तों, मैं अभी फिलहाल पहुंच चुका हूं लिंगराज मंदिर। मैं उससे मतलब कुछ दूरी में भी खड़ा हूं, क्योंकि मैं सामने मतलब जा नहीं सकता, क्योंकि सामने अंदर ले जाने के लिए मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है। तो मैं बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए वो जो आपको कोने में जो दिख रहा है वो ये लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे है। और यहाँ अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ जस्ट उसी के बगल में वो जो तालाब है, मैं आप तालाब को दिखाता हूँ दोस्तों। वो सामने आप लोग को लिंगराज मंदिर दिख रहा होगा, और ये जस्ट उसी के बगल में ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये यहाँ का तालाब है। तो ये तालाब मतलब पानी भी है कुछ, मतलब पूरा हरा हरा में दिख रहा है। ये लिंगराज मंदिर के सामने का जो तालाब है वहाँ पास से मैं यहीं पे खड़ा हूँ। मैं अंदर मोबाइल वगैरह ले जाने का अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर तो दिखा नहीं सकता, तो दूर से दिखा रहा हूँ आप लोग को दोस्तों। ये जो लिंगराज मंदिर है, मतलब ये एक जो मेन है वो थोड़ा सा बड़ा है, और इससे आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ देखिएगा तो मतलब इधर भी देखिएगा, इधर भी आप लोग थोड़ा सा दिख रहा होगा, इधर भी एक छोटा सा मंदिर है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है बनाने का सेम जो लिंगराज मंदिर है सेम उसी तरह का है, मगर उसका जो हाइट है वो थोड़ा छोटा रहता है। लिंगराज का जो हाइट है ये 55 फीट है कुछ ऐसा ही, और इसका उधर भी आप देखिएगा हल्का दिखाई देगा, वो उधर भी मतलब एक मंदिर है जो कि मतलब सेम स्ट्रक्चर सेम ही रहता है इसी टाइप में, बस हल्का सा जो साइज है वो छोटा रहता है। और ये तालाब तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो गाइस ये जो मंदिर है इसके बारे में तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग बना नहीं सकते, क्योंकि मतलब क्या दिखाएं आप लोग को, अंदर कैमरा का अलाव ही नहीं है, जो है बस बाहर से ही देख सकते हैं आप लोग। इसका अगर सपना का बात करें तो ये 10, 11वीं और 12वीं सदी के बीच में हुआ था, जो कि सोमवंशी राजा थे जिनका नाम था जजाति केसरी, तो उन्होंने ही करवाया था इसका स्थापना। इसकी ऊंचाई लगभग 55 फीट की है, और ये भुवनेश्वर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यही है लिंगराज मंदिर। ज़्यादा मतलब अंदर सट नहीं सकते यार कैमरा लेके, मेन दिक्कत यही है, बस दूर से आप लोग को देखना पड़ेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे यही है लिंगराज का मंदिर। इसका चारों तरफ मतलब 6 से 7 मंदिर और भी है, जो मतलब स्ट्रक्चर सबका सेम ही है। स्ट्रक्चर का बात करें तो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस जो उनका हाइट है वो कम किया गया है। इसका हाइट ज़्यादा है, बाकी सबका इससे छोटा छोटा है। इधर भी है कुछ घूमने का ही, ये भी एक छोटा सा मंदिर टाइप बनाया गया है। तो यार अभी मैं फिलहाल मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, और वो जो चारों लोग थे मतलब वो सभी अंदर चले गए हैं, और मुझे अकेला बाहर छोड़ दिया कि हाँ भाई, तो मतलब वहाँ मोबाइल वगैरह अंदर जाने का अलाव नहीं है, कुछ सामान वगैरह था तो बोला वो लोग कि मतलब तुम सामान को रख लो, मोबाइल को रख लो, फिर जब हम चारों आएंगे तो तुम अकेले चले जाना। देख रहे हो भाई, देख रहे हो, वो चारों चले गए अकेला छोड़ के। खैर इसको हम गलत नहीं मानते, इसको सही मानते हैं, पॉजिटिव बारे में सोच लेते हैं इसके बारे में सकारात्मक, कि अगर अकेले जाने के लिए बोला है तो हम मान लेते हैं कि हाँ शेर हमेशा अकेला ही जाता है, तो हम अकेले चले जाएंगे, वो लोग आएंगे तो बस सामान लोग को देना है तो चले जाना है। तो ठीक है गाइस, ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, बस छोटा सा ब्लॉग है, क्योंकि अंदर तो कुछ अलाउ नहीं है। तो ठीक है गाइस।